हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी अब थोड़ा ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूली की सूखी सब्जी, जो बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने मूली को ले लिया था। मूली को मैंने रफली चॉप करके चॉपर में डाल के बारीक पीस लिया था। इस चॉपर का बहुत बहुत फायदा है यार, बहुत फाइन चॉपिंग होती है इससे। देखो मैंने कितना बारीक पीसा इसको, जिससे हमारी मूली अच्छे से गलेगी और कम टाइम लगेगा पकने में। इधर मैंने एक पैन चढ़ा दिया था गैस पे, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया अंदाज से 2 टेबल स्पून। इसको मैंने तड़का लगा दिया सरसों के दाने और जीरा का। अब मैंने मूली डाल दी इसमें, मूली को अच्छे से चलाऊंगी, इन चीज़ों के साथ मिक्स करूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, जिससे मूली अपना पानी छोड़ेगी और अच्छे से पकेगी। फिर उसके बाद मैं इसके भी सूखे मसाले डालूंगी। सूखे मसाले में हम सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी का एक छोटा पिंच ले लेंगे, जिससे हमारी मूली में कलर अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेमन भी डाल सकते हो। जब ये पक गई तो इसमें मैंने इसके बीच डाली बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैंने गैस बंद करके इसको एक सर्विंग बोल में निकाल दिया। देखो लगने में कितनी टेस्टी लग रही है, दिख भी रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। जब कभी आपको चटपटा कुछ खाने का मन करे तो इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। बाय।